नारियल। अब नारियल फूटेगा चूल्हे पे, वरना गरम गरम पराठे। वाह। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम साइकिल की पंचर जुड़वाने, जो कि है ये रही साइकिल, अंकित मेरे साथ में है और साइकिल ले ली हमने, साइकिल ठीक करवाने जा रहे हैं, जो कि साइकिल अंकित की खराब हो चुकी है। कनौ से ये मेरे से बोल रहा है कि साइकिल मेरी सही करवा दो, सही करवा दो। तो फाइनली आज इसकी साइकिल सही करवाने के लिए जा रहे हैं, जो कि ये है साइकिल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, भी आ रही है, ये भी आ रही है। निकाल 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 निकाल, ओए ऐसे निकाल लेता, उठा के चढ़ा लेते उसको। हे गाइस, तो हमको बहुत इंतजार करना पड़ा है, जो कि हमारी अब फाइनली साइकिल की पंचर जुड़ रही है। ये रही साइकिल। हम कितने चार रो रहा है, क्यों रो कर रहा है, कहाँ जाएगा। साइकिल सही करवा के आ गए हैं, तो अंकित अभी आया है यहाँ पर ये ग्राउंड के अंदर, और यहाँ पर पूरे कहीं भी घुमाएगा साइकिल को, और घुमाने के बाद फिर चलेंगे घर इसके। तो आज अंकित अपने घर भी जा रहा है, क्यों अंकित घर जा रहा है ना, तो कल आ जाएगा अंकित, आज जा रहा है मम्मी पापा से मिलने, बहुत दिन हो गए इसको, तो इसको पहले साइकिल चलाने देते हैं उसके बाद मिलते हैं। छोटू तुम्हारा मास्क कहाँ है, लगाओ लगाओ मास्क, लगाओ मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, मास्क लगाओ उसे, बिना मास्क लगाए भी मत घूमो। बच्चों के मजे लिए कैसा लगा, लेकिन लेकिन सब लोग डर गए थे अचानक से, इनकम टैक्स वो डर गए एकदम से, और मास्क 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 एक दूसरे से बात करने लगे, मास्क का मास्क का मास्क लगा मास्क लगा। बच्चों की मैंने वीडियो बनाई थी अभी मास्क के लिए, वो लोग बेचारे इतने डर गए कि वो चले ही गए, तो वो जा रहे हैं, और वो डर गए थे काफी ज्यादा थोड़ा सा, और वो लोग एक एक साथ इकट्ठा खड़े होकर बोलने लगे, यार चलो चलो अब तो टाइम हो गया ये वो, और निकल गए ये लोग, वो जा रहे हैं, तो वहाँ पे खेल रहे थे और वहाँ से वहाँ चले गए, तो बेचारे डर गए। लेकिन मेरा काम डराने का नहीं था, बस मेरा ये था कि मास्क अगर वो उनके पास हैं तो। गाइस तो अभी लौट के हम लोग घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक पोपट हो चुका है, जो कि है अभी साइकिल हम लोग बनवा के लाए थे और वो साइकिल खराब हो गई है, तो पहले साइकिल उस दिन बनवा के लाए थे पंचर, वो घर पहुँचते ही फिर खराब हो गई थी, और आज फिर हमारे साथ ये पोपट हो गया कि पंचर तो खराब नहीं हुई, लेकिन ये है कि उसमें जो पहिया है उसका वो उसमें फंस रहा है, तो वो चल ठीक से नहीं चल पा रही है, तो इसलिए हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, और अंकित जो है उसकी हालत खराब हो रही है, तो अब इसको ले जाते हैं घर पे ही ठीक करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गाँव मंदिर, ये देखो मेरे हाथ में लोटा है जिसमें दूध है, शायद दिख नहीं रहा होगा, पर ये माता रानी को चढ़ाएंगे। तो ये देखिए आकाश भैया गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी से हम दोनों आकाश भैया और मैं जा रहे हैं मंदिर अपने गांव। की सड़कें ऐसी होती हैं, इधर देखो गोबर भी दिख रहा है बहुत सारा, और ये गांव की नलियां, ये फील करिए ऐसा होता है गांव, ये देखिए कितना सारा भूसा रखा है, शायद दिख रहा हो। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में, और साथ में मेरे मनीषा, और हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो कुछ ऐसा हाल है, आगे सड़क काफी खराब भी है, तो अभी जो है थोड़ा सा दूर और है, यहाँ से वहाँ पे जाना है जो घर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ललता चूल्हे पे खाना बना रही है भाई, क्या बना रही है भैया, खाना बना रही है। तो फाइनली अभी गांव में पहुंच चुके हैं हम, और गांव का कुछ ऐसा नजारा है, और मैं दिखाता हूँ मनीषा जो हम लोग अभी मंदिर पे आए, वो मंदिर दिखाता हूँ मैं, वो पूजा कर रही है। ये घर बने हुए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसा यहाँ का नजारा है, तो काफी अच्छा लग रहा है इधर, तो कुछ ऐसा नजारा चुकी है, और रात के शाम के 7 बज रहे हैं, रात ही हो गई है। मैया का मंदिर हमारा कुछ ऐसा है गाँव का, ये हमारा पुराना मंदिर है, काली मैया का मंदिर है, तो कुछ ऐसा मंदिर है, तो मंदिर आप लोग देख लो। इस देखो मनीषा ऐसे पूजा कर रही है, मनीषा ने ऐसा हवन किया कि मंदिर में देखो कितना धुआं धुआं हो गया। तब नारियल फूटेगा, नारियल भी कर रहा, आहा आनंद लगे ना, ताकत तो है।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, दुर्गे खपर वाली, तेरे ही गोने गाने भारती। यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं। और माई हमारी क्या बना रही है? आलू धनिया सारी रेसिपी है जी। जी मसाले देखो कितने सारे मसाले हैं। गरम मसाले कौन से गरम मसाले हैं जी? एवरेस्ट का तीखा लाल गरम गरम आलू के पराठे, और तुम मत खाना हम खा लेंगे तुम मत देखना, रेसिपी देख लो बस और घर पे बनवा लेना। भाई तू बता जल्दी, आलू के पराठे क्या क्या डालते हैं? सैनिटाइजर डाल दे। ये देखिए मनीषा ने आलू के पराठे की रेसिपी तैयार करवा दी। ये देखो हरी मिर्ची आ गई, अगर इन मिर्चियों को कोई डायरेक्ट खा ले तो क्या होगा उसका? देखो चिरपिरी नहीं है, ये मीठी मिर्ची है जी। कम चिरपिरी, मतलब चिरपिरी ही नहीं है ये। बस बस, अरे दम से डालो, कोई टेंशन नहीं है, सुबह दिक्कत नहीं होगी किसी को, पेट साफ हो जाएंगे सबके। गाइस तो ये देखो, ये रहा मसाला आलू का, ये रहा आटा, और ये रहा चूल्हे। चूल्हे पे बनना है गरम गरम पराठे। वाह कितने गरम गरम पराठे बनना है जी। हमारी मामी कर गरम गरम पराठे बना रही है, हमारे गरम गरम पराठे खा रही है। ये देखो देखो कैसे स्वाद मुंह बना बना के खा रही है पागल। पराठे बने थे किसी और के लिए, बीच में आ गए हम लोग पराठे खा रहे हैं यहाँ। आओ अब तुम भी खाओ। तो अभी मैं भी पराठे खाऊंगा, अभी पराठे खाते हैं। तो टेस्ट तो बता, टेस्ट कैसे हैं? बहुत टेस्टी है माई, सच्ची में यार। माई सच, पराठे बहुत शानदार बने, मनीषा कह रही है। और कुछ? वास्तव में मजाक नहीं कर रही मैं, रियल में, रियल में, रियल में चूल्हे पे बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखो, धुआं भी निकल रहा चूल्हे में से। अगर आपको भी खाना है तो आइए हमारे गाँव, और चूल्हे के बनाए हमारी माई के वाले पराठे खाइए। तो सब लोग इनवाइट है माई की तरफ से हमारे पराठे खाने के लिए। एड्रेस नहीं बताऊंगा लेकिन